दोस्तों आज है 25 दिसंबर और आज के दिन क्रिसमस यानी कि बड़ा दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था। तो इसी खुशी में आज हम आपको कुछ बताने वाले हैं क्रिसमस डे के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिसमस या बड़ा दिन ईसा मसीह या यीशु के जन्म की खुशी में मनाया जाने वाला पर्व है। यह 25 दिसंबर को पड़ता है और इस दिन लगभग संपूर्ण विश्व में अवकाश रहता है। क्रिसमस से 12 दिन के उत्सव क्रिसमस टाइड की भी शुरुआत होती है। इत्रो डोमनी काल प्रणाली के आधार पर यीशु का जन्म 7 से 2 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। 25 दिसंबर यीशु मसीह के जन्म की कोई ज्ञात वास्तविक जन्म तिथि नहीं है और लगता है इस तिथि को एक रोमन पर्व या मकर संक्रांति से संबंध स्थापित करने के आधार पर चुना गया है। आधुनिक क्रिसमस की छुट्टियों में एक दूसरे को उपहार देना, चर्च में समारोह और विभिन्न सजावट करना शामिल है। इस सजावट के प्रदर्शन में क्रिसमस का पेड़, रंग बिरंगी रोशनियाँ, बंडा, जन्म के झांकी और होली आदि शामिल हैं। संता क्लॉज, जिसे क्रिसमस का पिता भी कहा जाता है, हालांकि दोनों का मूल भिन्न है, क्रिसमस से जुड़ी एक लोकप्रिय पौराणिक परंतु कल्पित शख्सियत है, जिसे अक्सर क्रिसमस पर बच्चों के लिए तोहफे लाने के साथ जोड़ा जाता है। क्रिसमस को सभी ईसाई लोग मनाते हैं और आजकल कई गैर ईसाई लोग भी इसे एक धर्मनिरपेक्ष सांस्कृतिक उत्सव के रूप में मनाते हैं। क्रिसमस के दौरान उपहारों का आदान प्रदान, सजावट का सामान और छुट्टी के दौरान मौज मस्ती के कारण यह एक बड़ी आर्थिक गतिविधि बन गया है। दुनिया भर के अधिकतर देशों में यह 25 दिसंबर को मनाया जाता है। क्रिसमस की पूर्व संध्या यानी 24 दिसंबर को ही जर्मनी तथा कुछ अन्य देशों में इससे जुड़े समारोह शुरू हो जाते हैं। ब्रिटेन और अन्य राष्ट्रमंडल देशों में क्रिसमस से अगला दिन यानी 26 दिसंबर बॉक्सिंग डे के रूप में मनाया जाता है। कुछ कैथोलिक देशों में इसे सेंट स्टीफेंस डे या फीस्ट ऑफ सेंट स्टीफेंस भी कहते हैं। आर्मेनियाई अपोस्टोलिक चर्च 6 जनवरी को क्रिसमस मनाता है। पूर्वी परंपरागत गिरजा जो जूलियन कैलेंडर को मानता है, वो जूलियन वेसियो के अनुसार 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाता है, जो ज़्यादा काम में आने वाले ग्रेगरियन कैलेंडर में 7 जनवरी का दिन होता है, क्योंकि इन दोनों कैलेंडरों में 13 दिन का अंतर होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर हमें बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको हमारे न्यू लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों।